हेलो गाइस, आप हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और मैं रतिराम आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन रतिराम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे फोटोशॉप के अंदर सिर्फ 5 मिनट के अंतर्गत थंबनेल कैसे बनाएं और बहुत ही आसानी के साथ एक अच्छा थंबनेल अपने यूट्यूब चैनल के लिए कैसे बनाएं। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही छोटी होने वाली है, इसलिए मैं आपका बहुत ही कम समय लेते हुए जल्द से जल्द इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, तो दोस्तों देखिए, इस तरीके का आज हम एक थंबनेल बनाने वाले हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक न्यू पेज इसके ओपन करेंगे। न्यू पेज पे जाएंगे, न्यू पे जाएंगे, आपको जो इसकी साइज है वो रखनी है दोस्तों, पिक्सल्स यहाँ पे होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। 1280x720 रेजुलेशन जो मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ वो लेने वाला हूँ 200 दोस्तों, और पीछे यहाँ वाइट होना चाहिए। और मैं इसको सिंपली यहाँ से ओके कर देता हूँ बस। और ओके करने के बाद अब मुझे नहीं करना कुछ भी, यहाँ जो फिल कलर का टूल है आपके पास, ये जिसे हम पेन बोके टूल भी कहते हैं, इस पे आ जाएंगे। इसको लेने के बाद आपको यहाँ पे ये जो फोरग्राउंड मिलेगा, इस फोरग्राउंड की जगह यहाँ पे पैटर्न कर लेना है, और पैटर्न में आके आपको जो भी ये पैटर्न अच्छा लगे वो यहाँ से ले लेना है। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे ये वाला पैटर्न ले रहा हूँ दोस्तों, और यहाँ पे आके सिंपली क्लिक कर देता हूँ, तो आप देखेंगे ये पैटर्न यहाँ पे आ चुका है दोस्तों। तो अब बारी है टेक्स्ट लिखने की, तो मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे टेक्स्ट लूंगा और टेक्स्ट को यहाँ पे आके सिंपली यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर दूंगा। तो लिखना है मुझे यहाँ पे, ये मैं लिखना स्टार्ट कर देता हूँ। ये मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ दोस्तों। अब मुझे क्या करना है, इस टेक्स्ट के अंदर थोड़ी सी शैडो लगानी है। शैडो लगाने के लिए मुझे यहाँ जाना है, यहाँ पे जाने के बाद ब्लीडिंग ऑप्शन में जाना है। ब्लीडिंग ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ ड्रैप शैडो का ऑप्शन होगा, और ड्रैप शैडो पे आप देखेंगे नीचे हल्की सी ब्लैक बैल ही ऑलरेडी यहाँ आ चुकी है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा और इन चीज़ों को यहाँ से बढ़ा लेता हूँ दोस्तों, और इनको यहाँ से आसानी के साथ हम यहाँ से बढ़ा लेते हैं। और इनको बढ़ाने के बाद सिंपली हमारी शैडो आ चुकी है, यहाँ से ओके कर दूंगा। ओके दबाने के बाद मुझे इन टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा करना है, तो आप चाहे तो यहाँ से सेलेक्ट करके भी यहाँ से इनकी साइज को बढ़ा सकते हैं, नहीं तो सिर्फ सिंपली आप कंट्रोल दबाइए, और कंट्रोल दबाने के बाद आप इनकी साइज को यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल दबाइए, और कंट्रोल दबाने के बाद सिंपली इनको पकड़ के आपको कुछ नहीं करना, बस ड्रैग कर देना है दोस्तों, और इस तरीके से ये आपका बड़ा हो जाएगा दोस्तों। बड़ा होने के बाद आप इनको अपनी जरूरत के हिसाब से इधर उधर एडजस्ट कर लीजिए, और आप देखेंगे कि ये आपका बड़ी आसानी के साथ बनके तैयार हो गया है। दूसरा टेक्स्ट आप लोगों को लिखना है, आप बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट में आएंगे यहाँ पे, और टेक्स्ट में आपको यहाँ पे लिखना है दोस्तों पहले हिंदी में, और मुझे जो आगे के शब्द है वो थोड़े से इंग्लिश में लिखने हैं, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ से इंग्लिश वाले ले लेता हूँ, और यहाँ से इंग्लिश वाला ले लेता हूँ, और इंग्लिश वाला लेने के बाद ये ले लेता हूँ। मुझे अभी इनका कलर सेलेक्ट करना है, तो इनको मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूंगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ कलर वाले ऑप्शन में जाऊंगा, और जो भी कलर मुझे लेना है दोस्तों वो कलर मैं यहाँ से ओके कर दूंगा। वापस से वही मुझे शेडो लगानी है, तो मैं यहाँ पे आऊंगा, ब्लेंड ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, ब्लेंड ऑप्शन में ड्रैप शेडो पे क्लिक करूंगा। अब मुझे यहाँ से कलर चूज करने है, एक बात का ध्यान रखें दोस्तों, आप कस्टम में जाएंगे कलर चूज करने के लिए, और कस्टम में जाने के बाद यहाँ से आपको जो भी कलर लेने हैं, जैसे कि मुझे ये कलर लेना है, मुझे ये कलर लेना है, और मुझे ये कलर लेना है, तो इसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे। इसकी साइज को थोड़ा यहाँ से बढ़ा लेंगे, ये कलर थोड़ा सा ऐसा लिया है हमने, इसलिए आपको ये शेडो इसमें ज़्यादा दिखाई नहीं देगी दोस्तों। तो ये देखिए, हमने ये भी इसके अंदर दिखा है। अब हमको अगला टेक्स्ट लिखना है। अगला टेक्स्ट लिखने के लिए आप वापस से बैकग्राउंड पे जाएंगे, बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे, बैकग्राउंड पे क्लिक करने के बाद वापस से टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ आके टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब आपको क्या लिखना है यहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ से देख लेता हूँ मुझे क्या लिखना था, तो मुझे यहाँ पे लिखना है सिर्फ 5 मिनट में, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सिर्फ 5 मिनट में दोस्तों। 5 मिनट में लिखने के बाद कंट्रोल दबाऊंगा, कंट्रोल दबाने के बाद इनको थोड़ा सा बड़ा करूंगा यहाँ पे ऐसे अपनी जरूरत के हिसाब से, और दबड़ा करने के बाद इनको एडजस्ट कर लूंगा। वापस से मुझे इनका कलर यहाँ से चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे कलर वाले ऑप्शन में आऊंगा इनको सेलेक्ट करने के बाद, और सेलेक्ट करने के बाद जो भी कलर मुझे अच्छा लगेगा यहाँ से मैं ये कलर यहाँ से ले लूंगा दोस्तों, और ये कलर मैंने यहाँ से ले लिया। अगर मैं चाहता हूँ इन पे भी शेडो लगाऊं, तो शेडो लगाने के लिए वापस से इसी में जाऊंगा, यहाँ ब्लेंड ऑप्शन में जाऊंगा, ब्लेंड ऑप्शन में जाने के बाद थोड़ी सी शेडो आप चाहे तो यहाँ से, आंखी के और ऑप्शन भी है, जब आपको जरूरत पड़े तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से इनको यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों बिना किसी दिक्कत के। मैंने यहाँ से ओके किया और यहाँ पे शेडो लगा दी दोस्तों। शेडो लगाने के बाद मुझे वापस से कुछ टेक्स्ट लिखने हैं, मैं वापस से यहाँ बैकग्राउंड पे आऊंगा, और बैकग्राउंड पे आने के बाद यहाँ मैं वापस से लिखूंगा टेक्स्ट, और वापस से यहाँ मुझे क्या लिखना था, मुझे यहाँ लिखना था बड़ी ही आसानी के साथ दोस्तों, और ये मैंने यहाँ से लिख लिया। कंट्रोल करके इसको भी मैं थोड़ा अपनी साइज की जरूरत के हिसाब से एडजस्ट कर लूंगा, और इसको उठा के यहाँ से अपनी जरूरत के हिसाब से एडजस्ट करूंगा, सबको सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ कलर में आऊंगा,
और कलर में जो भी कलर मुझे यहाँ से अच्छा लग रहा है दोस्तों वो कलर ले लूँगा। कलर लेने के बाद वापस से मैं ब्लेंड में आऊँगा। ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ ड्रैप शैडो पे क्लिक करूँगा और ड्रैप शैडो पे क्लिक करके ओके कर दूंगा दोस्तों। तो आप देखेंगे आपका थंबनेल आराम से बन चुका है बिना किसी दिक्कत के। अब बस आपको एक इमेज और लेनी है। ये इमेज हमारे पास पहले से ही मौजूद है यहाँ पे। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इस इमेज को मैंने PNG की फाइल मेरे पास पहले से ही बनी हुई है, आपके पास भी आपकी इमेज पहले से ही बनी हुई होगी। तो बस सिंपली मुझे कुछ नहीं करना है, इस इमेज को यहाँ से उठा के यहाँ पे पटक देना है। अब ये थोड़ी ज़्यादा बड़ी आ रही है तो कंट्रोल और माइनस साथ पहले इसको छोटा छोटा करेंगे और छोटा करने के बाद कंट्रोल टी दबाएंगे दोस्तों। आप जैसे ही कंट्रोल टी दबाएंगे एक इस तरीके का बॉक्स इसके ऊपर आ जाएगा और आप शिफ्ट के साथ इसको माउस को पकड़ के जैसे ही खींचेंगे इसकी साइज छोटी होती चली जाएगी और आपकी अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसे छोटा या बड़ा करके एडजस्ट कर सकते हैं दोस्तों बड़ी ही आसानी के साथ। और बस सिंपली एंटर प्रेस कर देंगे। तो लीजिए दोस्तों सिर्फ 5 मिनट में बिना किसी दिक्कत के आपका थंबनेल बनकर तैयार है जैसा कि मैंने आपको कहा था। तो इस बात के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। अगर आप हमारे वीडियो पर कुछ सीख रहे हैं आपको आपको ऐसा लगता है तो आप जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी।